स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भूरी केमिस्ट्री में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो आज अपना टॉपिक है चैप्टर थर्ड, क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सीबीएसई ने कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया है सिलेबस का, तो उसी के बेसिस पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं इसी मतलब सेशन के लिए 2020 एवं 2021 के लिए। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके शुरुआती कुछ मतलब फैक्ट्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, तो पहले वो देखेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्टली अपन बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य इसकी जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले एक अपन बात करते हैं आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया आपके विभाजन करना या किसी भी चीज को लगातार तोड़ते रहना। ठीक है, तो उसी आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी किसी भी मैटर के लिए जब बात की जाती है, तो पहले अपन बात करते हैं इंडियन फिलोसॉफर्स ने मतलब किसी भी मैटर के लिए या किसी भी कह सकते हैं अपन सब्सटेंस के लिए क्या डेफिनेशन दी है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा, महर्षि कणाद ने कहा कि कोई भी मैटर है, मतलब आप कोई भी मैटर ले रहे हो, मैटर को उन्होंने क्या बोला, मैटर को बोला पदार्थ। मतलब आप कोई भी मैटर ले रहे हो और आप मैटर को डिविजिबल मतलब लगातार तोड़ते जा रहे हो, उसका डिवीजन करते जा रहे हो, तो लास्ट में आपको एक अनडिविजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेंगे। जो उसके इनडिविजिबल पार्टिकल होंगे जिनको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता या फर्दर आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उनको इन्होंने बोला परमाणु। परमाणु जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता या फर्दर आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या बोला, परमाणु। तो ये तो था अपने फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर का। ये थे लगभग आपके 500 BC। इनका जो टाइम था वो 500 BC था। इतने टाइम पहले अपने इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने यह कह दिया था कि कोई भी मैटर है या कोई भी पदार्थ है, इनके अकॉर्डिंग पदार्थ होता है कोई भी थिंग, तो कोई भी मैटर है या पदार्थ है उसको आप लगातार डिवाइड करते जाओगे तो उसका सबसे लास्ट जो इनडिविजिबल पार्टिकल बनेंगे वो परमाणु होते हैं। परमाणु को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक बात अपने को यहाँ पे ध्यान देनी है कि मैटर क्या होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मैटर क्या होता है, कि आप किस चीज को मैटर बोलोगे। तो मैटर बेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके आप जो भी देखते हो अपने आसपास, पत्थर, लकड़ी, सब कुछ मैटर है, सब कुछ ये समझ लीजिए। मैटर को हिंदी में द्रव्य बोला जाता है। तो मैटर की एक डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऐसी थिंग जो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कुछ ना कुछ क्या करे, वो जगह घेरे, कुछ ना कुछ जगह घेरे। जैसे अपन देखते हैं लकड़ी कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, या पत्थर कुछ ना कुछ स्पेस लेता है, या कोई भी थिंग अपन खुद को ही मान लेते हैं तो अपन भी कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं। सेकेंड थिंग, उस थिंग का कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। इस दो थिंग पे मैटर की डेफिनेशन है कि मैटर एनीथिंग कुछ भी हो सकती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, और सेकेंड थिंग है उसका कुछ ना कुछ मास हो। तो ऐसी कोई भी थिंग होगी उसको अपन क्या डिफाइन करेंगे, मैटर। उसके बाद बात आती है कि सेकेंड इंडियन फिलोसोफर थे प्रकुदा कात्यायन। इन्होंने क्या बोला कि अपनी जो नेचर है इसमें बहुत टाइप के मैटर्स प्रेजेंट है, बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अपनी जो नेचर है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट रहते हैं, और ये मैटर किस कारण बनते हैं, मैटर बनते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी कॉम्बिनेशन से। मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके के मैटर बनते हैं। ठीक है, तो ये अपने होते हैं दोनों इंडियन फिलोसोफर के, एक तो महर्षि कणाद का और एक होता है प्रकुदा कात्यायन का, कि उन्होंने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी
कि अभिभाजन के बारे में उन्होंने क्या बताया कि आप एक मतलब पार्टिकल को या एक मैटर को जब डिवाइड करते हो तो लास्ट में उनके कौन से पार्टिकल्स बनते हैं या उनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं होता एक टाइम के बाद में, तो उसी चीज को समझाने के लिए इन दोनों ने अपने व्यूज रखे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं करेंगे ग्रीक फिलोसोफर्स की। फॉरेनर्स जो थे उन्होंने क्या बताया, डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी मैटर है उसको आप क्या कर रहे हो, उसका डिवीजन कर रहे हो। अगर आप किसी भी मैटर का डिवीजन कर रहे हो तो जब आप लगातार डिवीजन करते जाओगे तो लास्ट में आपको एक स्टेट ऐसी मिलेगी जिसमें वो आगे इनडिविजिबल होगा या फर्दर उसका डिवीजन संभव नहीं है या फर्दर उसको तोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो उस सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है मेटल का, सबसे स्मॉल पार्टिकल जो मेटल का होगा उसको बोला जाएगा एटम। एटम का मीनिंग होता है नॉट फर्दर डिविजिबल, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली क्या बोल दिया, कणाद ने जिस चीज को क्या बोला था, कणाद ने बोला था परमाणु, और इन्होंने क्या बोल दिया उसी चीज को, एटम। एक बात और ध्यान रखें कि एटम को जब हिंदी में नाम दिया जाता है तो परमाणु दिया जाता है। ठीक है, एटम का जो हिंदी वर्जन है या एटम को आप हिंदी में बोलोगे तो परमाणु बोलोगे। ठीक है, तो ये तो अपने बात होती है जनरल इंट्रोडक्शन की। अपने इंट्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ा, अपने महर्षि कणाद के बारे में पढ़ लिया, कात्यायना के बारे में पढ़ लिया और डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस के बारे में पढ़ लिया कि इन्होंने अपनी फिलोसॉफी में एक मैटर को कैसे एक्सप्लेन किया या किसी भी थिंग को क्या कैसे एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये तीनों थ्योरियां तो क्या थी, ज्यादा चली नहीं। अब चली नहीं तो क्या हुआ, आगे एंटोनी लेवोशी जो अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री भी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं, तो एंटोनी लेवोशी ने क्या किया कि आगे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने क्या दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाया आगे। अब उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जिस टाइम बात की जाती है तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए लेवोशी ने, तो लेवोशी के बेसिस पे यहाँ पे पांच लॉ थे। एक तो था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और पांचवा लॉ था गेलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ दो लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अदर थ्री लॉज जो हैं वो अपन हायर स्टडीज में देखते हैं, अभी अपने नाइन्थ में इसका कोई काम है नहीं, तो अपन यहाँ पे इन दो लॉ पे क्या करेंगे, मैं चर्चा करेंगे या मैं इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपन इन दोनों लॉ को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों लॉ को अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लॉ को स्टार्ट करेंगे तो पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिरा यहाँ पे इसका स्टेटमेंट कि मास जो है, मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो वहां पे ना तो मास क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई, मास कैसे क्रिएट नहीं हो सकता, कैसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से तो समझा जा नहीं सकता। तो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ना, एक लेते हैं ए, एक ले लिया अपन ने बी, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन से वो बन रहा है ए बी। तो ये तो हो गए यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन की जिससे ये प्रोडक्ट बना। तो बात ये होगी कि यहां पे अगर इन दोनों का मास जोड़ा जाए, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो वो हमेशा किसकी इक्वल आएगा, मास ऑफ ए बी। अब इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करें, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अपन क्या करते हैं यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं,
तो कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12, 12। ऑक्सीजन का मास होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां पे कितने? 2, तो 2 × 16, ठीक है। और बराबर आगे अपन जाते हैं तो एक कार्बन का मास कितना? 12 + 2 × 16। तो आप जब इसको टोटल करोगे तो यहां पे भी कितना आएगा? 44, और यहां पे भी कितना आएगा? 44। मतलब रिएक्शन के इस पार्ट में जितना मास है उतना का उतना कितना मास वहां पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ना तो मास कुछ नया क्रिएट किया गया है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, मास जितना था उतना ही है। कार्बन का मास 12 था, यहाँ पे भी कार्बन का मास कितना है? 12 है। तो इस तरीके से अपन इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड लॉ आता है, वो होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है वो देखते हैं अपन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ये होता है कि यदि आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हो या कोई भी तरीके की केमिकल की बात कर रहे हो, तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमेशा एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि आपको सबसे बड़ा आता है एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है कि ऐसा ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो ये सब थिंग्स अपन आगे और पढ़ेंगे वीडियोस में, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जब सेम टाइप के एटम्स का कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट का मतलब है कि भाई एक तरीके का एटम। इस लॉ में एलिमेंट कहने का मतलब है एक तरीके का एटम। जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, वाटर का H2 फॉर्मूला होता है वाटर का। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो रेशियो प्रेजेंट रहता है 1:8। ये एक परमानेंट रेशियो है यहाँ पे 1:8। अब कैसे है 1:8? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इन दोनों का मास हो गया 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 × 2 and 2 × 8 = 16। तो ये जो 1:8 होता है ये परमानेंट होता है, ठीक है। अब परमानेंट होता है तो अब इसको अपन इस लॉ पे कैसे अप्लाई करें, है ना। मैं बात ये आती है कि अपन सब थिंग समझ क्या रहे हैं, इस लॉ पे अप्लाई कैसे करना है। तो लॉ पे अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपको मैंने क्या दिया, आपको मैंने दिया 9 ग्राम वाटर। मैंने आपको कहा कि आपके पास 9 ग्राम वाटर है, तो इसमें से हाइड्रोजन कितना बनेगा और ऑक्सीजन कितना बनेगा। तो जब आप इस वाटर को डीकम्पोज करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा 1 ग्राम और ऑक्सीजन मिलेगे 8 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन मिलेगा आपको 1 ग्राम और ऑक्सीजन मिलेगा 8 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके 9 ग्राम। अब आपने यहां पे क्या देखा, देखो इनका रेशियो कितना आ रहा है 1:8, ओके। उसके बाद आपने क्या किया कि आपको भाई 9 ग्राम नहीं 18 ग्राम वाटर से काम करना है। चलो भाई 18 ग्राम वाटर से देखते हैं। तो आप 18 ग्राम वाटर को भी जब करोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2 ग्राम क्या मिलेगा हाइड्रोजन, और पीछे वाला कितना 16 ग्राम क्या मिलेगा ऑक्सीजन। तो आप जब इनका भी क्या करोगे, आप रेशियो ले लोगे, तो 2:16 कितना आ जाएगा 1:8, है ना। अब मान लो आपने 18 ग्राम की कहा, आपने कहा कि मैं तो 32 ग्राम लूंगा वाटर, तो 32 ग्राम में भी इसी तरीके से होगा आपने, सॉरी आई थिंक 32 नहीं होगा, यहां पे इसी तरीके से रेशियो में अपने को 1:8 में मिलते रहेंगे। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे 32 नहीं 36 ग्राम होना चाहिए, 36 ग्राम वाटर। तो 36 ग्राम वाटर आप जिस टाइम लोगे तो यहाँ पे आपको 4 ग्राम तो मिल जाएगी ऑक्सीजन, और 4 ग्राम तो मिलेगी सॉरी हाइड्रोजन, और उसके साथ में आपको मिलेगी 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो आपको पता ही है 4:32 कर लीजिए आप, 4:32 जिस टाइम करोगे ये भी क्या आएगा 1:8।
मतलब जो इनका जुड़ने का या कंबाइनिंग का जो रेशियो है, जो मास के एक वो निश्चित रहता है, डिफाइनाइट रहता है, उसमें कोई तरीके का चेंज नहीं होता, चाहे आप उसका कितना भी अमाउंट ले लो। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे जिस टाइम वाटर मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन होगा तो हमेशा 1:8 में ही मिलेंगे। और ये लो अपने को यही समझाता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं या जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं अपन मान सकते हैं, वो हमेशा एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, उनका एक निश्चित भाग होता है या निश्चित उनकी मात्रा होती है। ठीक है, तो ये अपने होते हैं यहाँ पे दोनों लॉस कंप्लीट। एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेशन में डाल सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, ओके।